वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 18 जून को होने वाला है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में। तो ऐसे में इंडियन टीम की प्लेइंग 11 कौन सी रहने वाली है, मोहम्मद सिराज या फिर मोहम्मद शमी, तो वहीं उमेश यादव या फिर ईशान शर्मा, कौन से खिलाड़ी को प्लेइंग 11 में जगह मिलने वाली है, क्या मयंक अग्रवाल को प्लेइंग 11 में जगह मिलेगी या फिर शुभमन गिल ओपनिंग करने वाले हैं। इस वीडियो में आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ। वही कौन सी प्लेइंग 11 के साथ इंडियन टीम जाने वाली है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, तो दोस्तों पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो दोस्तों आपको बता दो, अगर आप फैंटेसी लीग ड्रीम 11 या फिर क्रिकेट के रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। तो आइए चलो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं इंडियन टीम की प्लेइंग 11। ओपनिंग करने वाले हैं रोहित शर्मा और शुभमन गिल। वही तीन नंबर की बात करें तो विराट कोहली आने वाले हैं। चौथे नंबर पर चेतेश्वर पुजारा रहने वाले हैं। पांचवें नंबर पर अजिंक्य रहाणे रहने वाले हैं। और छठे नंबर की बात करें तो ऋषभ पंत रहने वाले हैं। अगर अजिंक्य रहाणे बाहर बैठे तो इनकी जगह हनुमान विहारी को मौका मिलेगा। वहीं सातवें नंबर की बात करें तो आर अश्विन। आठवें नंबर पर रविंद्र जडेजा। वहीं नौवें नंबर की बात करें तो जसप्रीत बुमराह रहने वाले हैं। दसवें नंबर पर ईशान शर्मा रहेंगे और ग्यारहवें नंबर की बात करें तो मोहम्मद शमी रहने वाले हैं। 100% यही टीम के साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप इंडियन टीम उतरेगी। वही आपको बता दो, अगर ईशान शर्मा बाहर बैठते हैं तो इनकी जगह उमेश यादव को मौका मिलेगा। वही आपको बता दो, अगर मोहम्मद शमी को प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिलती है तो मोहम्मद सिराज 100% खेलने वाले हैं। वही पिछले दो सालों से मोहम्मद सिराज का परफॉर्म काफ़ी बेहतरीन है, जिसकी वजह से मोहम्मद शमी को बाहर बैठा कर हो सकता है मोहम्मद सिराज को प्लेइंग 11 में जगह दी। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कौन कौन से खिलाड़ी को प्लेइंग 11 में जगह मिलेगी? वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है वो तीन फास्ट बॉलर कौन से रहने वाले हैं जिनको प्लेइंग 11 में जगह मिलेगी, वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वैसे दोस्तों आपको बता दूं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में होने वाला है। 22 जून तक ये चलेगा, यानी कि 18 जून से लेकर 22 जून तक ये मुकाबला खेला जाएगा। अब देखना ये होता है कौन सी टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन जीत पाएगी। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी, इंडियन टीम या फिर न्यूजीलैंड, वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।